स्किप करा हुआ था कि हमने यहाँ तक बैलेंस शीट ऑफ वी इंजन की थ्योरी डिराइव करी हुई थी। अब उसमें हम स्पेशल केस में जाते हैं, तो स्पेशल केस समझते हैं इसके अंदर। तो व्हेन टू अल्फा, अभी आपको किसको बोल रहा है, एग्जांपल में दे दिया उसने, टू अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। एग्जाम्पल सोल्व कीजिए इसको। सो टू अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री देकर रखा हुआ है, तो आपको एग्जाम्पल बोल देगा कि वी इंजन के लिए टू अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री है। सो अल्फा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब अल्फा 30 डिग्री हो गया तो आप प्राइमरी फोर्स ढूंढना है, तो आपके पास प्राइमरी फोर्स का इक्वेशन है। यहाँ पे जस्ट अल्फा की जगह पे 30 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे अल्फा की जगह 30 डिग्री, 30 डिग्री इसको सोल्व कीजिए, आप सिंप्लीफाई करोगे, आपका आंसर आएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्राइमरी फोर्स का। समझ में आ रहा है? सो इस तरीके से काम होगा। अब मान लो कि मुझे मैक्सिमम प्राइमरी फोर्स चाहिए, तो मैक्सिमम प्राइमरी फोर्स के लिए कोस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। तो हमें पता है थीटा के लिए 0 या 180 डिग्री रखू, तो यहाँ पे 1 हो जाएगी। सो ये देखिए, अब 1 हो गई, कोस की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 9, अंडर रूट ऑफ 9 क्या हो जाएगा 3, तो 3/2 एम ओमेगा स्क्वायर। तो एफपी मैक्सिमम हो जाएगा आपका 3/2 एम ओमेगा स्क्वायर। सेकेंडरी फोर्स चाहिए, उसी तरीके से सेकेंडरी फोर्स का जो इक्वेशन है उसमें आप अल्फा की जगह पे 30 डिग्री लिख दीजिए। जहां पे भी अल्फा है वहां पे 30 डिग्री लिख दीजिए, इसको सोल्व कीजिए, आपका आएगा √3/2 एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन आर एन। लेकिन इसमें जो आंसर आ रहा है उसमें कहीं भी उसने थीटा नहीं दिया है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो जो उसका सेकेंडरी फोर्स होगा वही उसका मैक्सिमम फोर्स होगा। तो अभी आपको लग रहा हो कि बच्चे ये मैं क्या कर रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको ये नहीं करना है मत देखिए इसको। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, कहीं किताब के अंदर उसने 2α = 60 के लिए उसने डायरेक्ट इक्वेशन लिखे हुए हैं, सो कहां से आए वो आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो आपको अच्छी तरीके से करना है, आपको एग्जांपल आ गया, आपको डायरेक्ट इतना ज्यादा सोल्व नहीं करना है, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे वैल्यू डालनी पड़ेगी, फिर इसको डिराइव करना पड़ेगा, तो आपको बाद में आएगा, उसके बाद आप वैल्यू डालोगे आपका आंसर आएगा। लेकिन आपको याद रख लेना, डायरेक्ट 2α 60 डिग्री हो तो प्राइमरी फोर्स उतना होता है, सेकेंडरी फोर्स इतना होगा, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा एग्जाम्पल के अंदर। सो इट्स डिपेंड ऑन यू, ओके, एक बार इसको देख लो, फायदा होगा। उसी तरीके से केस नंबर 2, 2α = 90 डिग्री, अल्फा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। सो सेम चीज, प्राइमरी फोर्स में अल्फा की जगह पे 45 डिग्री लिखो। अब ज्यादातर बच्चे सोच रहे हैं कोस थीटा साइन थीटा क्या हो रहा है, भाई कोस थीटा साइन थीटा क्या हो रहा है, एक्चुअली कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है। सो वो 1 हो जा रहा है, इसलिए कोस थीटा की वैल्यू नहीं दी गई, फिर भी वो निकल रहा है, कहीं में रह रहा है, तो उसका आंसर आ रहा है। सो यहाँ पे अब 2α = 90 डिग्री यानी अल्फा 45 डिग्री। सो प्राइमरी फोर्स के अंदर अल्फा 45 डिग्री लिखिए, उसके लिए वैल्यू आएगी एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि यहाँ पे थीटा नहीं है, तो वही उसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स होने वाला है। सो इट इज वेरी क्लियर। उसी तरीके से सेकेंडरी फोर्स, तो अल्फा सेकेंडरी फोर्स का इक्वेशन है, उसमें अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री रखे, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री रखो, सो यहाँ पे आंसर आएगा √2 एम ओमेगा स्क्वायर आर बाय एन साइन 2 थीटा। पर अब यहाँ पे साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, जब थीटा 45 यानी साइन 91 हो जाएगा। उसी तरीके साइन 135 लेके थीटा की जगह साइन 271 हो जाएगा, सो ये 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, √2 बाय एन ओमेगा स्क्वायर आर, तो सेकंड मैक्सिमम ये हो जाएगा। प्राइमरी फोर्स का जो इक्वेशन है उसमें अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री डाल दो, आपको जो आएगा वो इस तरीके से इक्वेशन आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर 1 + 8 साइन स्क्वायर थीटा रूट का आएगा। अब साइन की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, जब 90 या 270 होगा, तो ये 1 हो जाएगा, सो मैक्सिमम के लिए क्या होगा साइन 1, सो 1 + 8 क्या हो जाएगा 9, उसका रूट यानी 3, तो मैक्सिमम फोर्स आपका हो जाएगा 3/2 एम ओमेगा स्क्वायर आर। उसी तरीके से सेकेंडरी फोर्स चाहिए, अल्फा की जगह 60 लिखिए, सेकेंडरी फोर्स के इक्वेशन में अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो आपका कुछ इस तरीके से इक्वेशन आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2n 1 + 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब 2 थीटा यानी थीटा की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, जब 1 आया मैक्सिमम चाहिए ना, तो थीटा 45 हो जाएगा, 135 × 2 = 71 हो जाएगा, तो 1 + 8 क्या हो जाएगा 9, 9 का रूट क्या होगा 3/2 एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन। इस तरीके से ये आपका एफएस मैक्सिमम है, दिस इज एफएस मैक्सिमम। ये कब काम आएगा, ये तब काम आएगा अगर आप इसने आपको रट्टा मार दिया, मान लो आप मग्गू हो और आपने इसका रट्टा मार दिया कि भाई मुझे पता है क्या 2α जब 60 डिग्री देगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी का या मैक्सिमम का इस तरीके से इक्वेशन आएगा, जब 2α = 90 होगा तो प्राइमरी सेकेंडरी का इस तरीके से इक्वेशन आएगा, जब 2α = 120 तो प्राइमरी सेकेंडरी और उसका मैक्सिमम का इस तरीके से इक्वेशन आएगा। तो यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू ओवर हियर, आपका एग्जांपल सोल्व हो जाएगा। अगर आप मग्गू नहीं हो, आपको याद नहीं रखना है, डोंट रिमेम्बर इट, जस्ट प्राइमरी और सेकेंडरी फोर्स का इक्वेशन रखे, उसमें अल्फा की वैल्यू डाल दे, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। तो जो चीज आपको याद आएगा, मग्गू हो शॉर्टकट में जाना है एग्जाम्पल सोल्व करना है, तो याद रखो
नहीं करना है कोई बात नहीं, थियोरी पे जाना है तो ये इक्वेशन सिर्फ याद रखो प्राइमरी और सेकेंडरी का, उसमें वैल्यू डालो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।